तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं डेटा डॉग। एक नया बच्चा इंडिया में बहुत ही जल्दी जन्म लेने वाला है। जी हाँ, नया बच्चा मतलब नया मोबाइल ब्रांड इंडिया में बहुत ही जल्दी अपना नए स्मार्टफोन के साथ अपना आगाज करने वाला है। जी हाँ, आगाज करने वाला है। ब्रांड का नाम है टेलीनॉर, सॉरी वो तो एक टेलीकॉम कंपनी था, जो भी आपका 10 और बोल के 1010 उसके बाद है और मतलब TENOR बोल के एक नया ब्रांड इंडिया में बहुत ही जल्दी अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है विथ टू डिफरेंट वेरिएंट्स। ये स्मार्टफोन आपका एक्सक्लूसिवली अवेलेबल होने वाला है Amazon.in पे। जो टू वेरिएंट है, एक आपका होने वाला है 2GB रैम एंड 16GB रैम विच विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 7,999 रुपीज एंड द हायर वेरियंट इज 3GB रैम एंड 32GB रॉम विच विल कॉस्ट यू अप्रोक्सीमेटली 8,999 रुपीज। अभी आप सोच रहे थे कि 8,000 रुपए 9,000 रुपए में आपको क्या दे रहा है ये नया ब्रांड, सो लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करके। इसमें आपको मिलता है 5.5 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले। जी हाँ, आपका 1080p का आपको डिस्प्ले मिलेगा विद गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। और उसके साथ आपको मिलता है 403 PPI, मतलब जैसे आपका 5.5 इंच का डिस्प्ले है तो 403 PPI मिलता है, उससे कम अगर होता है तो लगभग 441 PPI मिल जाता है अगर आप 5 इंच का डिस्प्ले होता तो, वैसे ही 403 का PPI मिलता है। और उसके साथ आपको मिलता है 2.5D कर्व ग्लास, तो डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली काफी बढ़िया है। आपको फुल एचडी डिस्प्ले मिलता है, गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, 2.5D कर्व ग्लास भी मिल रहा है इसमें। नेक्स्ट जो चीज है विच इज ए कैमरा, यहाँ पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सिंगल रेयर कैमरा। जी हाँ, डुअल रेयर कैमरा नहीं है, सिंगल रेयर कैमरा। उसके साथ आपको मिलता है LED फ्लैश और फ्रंट में भी आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल कैमरा विद ए सिंगल LED फ्लैश एंड होपफुली बोथ द कैमरा इज केपेबल इनफ टू रिकॉर्ड फुल HD वीडियोस। रियर से तो डेफिनेटली फुल HD वीडियो होगा ही होगा, फ्रंट के बारे में पता नहीं, वो तो चेक करना पड़ेगा। अभी आप सोच रहे थे तो कॉन्फिडेंट के साथ मैं कैसे बोल रहा हूं, क्योंकि ये डिवाइस आपका चलने वाला है स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट में। जी हाँ, यहां पर आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 430 चिपसेट का सपोर्ट और उसके साथ आपको मिलेगा एंड्रॉइड नुगेट 7.1.2 आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर्स भी आपको इसमें मिलेगा। और उसके साथ साथ डेफिनेटली गूगल वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी इस डिवाइस में आपको इनिशियली मिल जाएगा बाय डिफॉल्ट। खाली एंड्रॉइड 7 ही नहीं, कंपनी की तरफ से ये भी बोला गया ये डिवाइस को आपका एंड्रॉइड 8 मतलब एंड्रॉइड ओडियो का अपडेट भी बहुत ही जल्दी मिलेगा जब एक्चुअली ओडियो रोल आउट होना स्टार्ट हो जाएगा ऑफिशियली। रैम और रॉम के बारे में तो आपको पहले ही बता दिया, 2GB 16GB या फिर 3GB 32GB। उसके साथ साथ यहां पर एक अच्छा चीज क्या है, इसमें आपको मिलता है डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट विच कैन बी एक्सपेंड अप टू 128GB वाया माइक्रो SD कार्ड, सो दैट्स अ प्रीटी गुड थिंग। आपको डुअल सिम स्लॉट मिलता है, उसके साथ साथ डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। जहां तक बैटरी का सवाल है, यहां पर आपको 4000mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलता है, तो होपफुली 4000mAh उतना कम नहीं है, काफी अच्छा अमाउंट ऑफ बैटरी वो लोग प्रोवाइड करे, तो होपफुली आपको अच्छा बैटरी बैकअप भी इसमें मिलेगा। और यहां पर आपको बैक साइड में मिलता है फिंगरप्रिंट स्कैनर और कंपनी की तरफ से बोला गया ये फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी फास्ट होने वाला है और आपका जो इसमें रिस्पॉन्स मिलेगा 0.2 सेकेंड। जी हाँ, 0.2 सेकेंड में ये फोन को अनलॉक कर सकता है, मतलब इतना फास्ट है, आप सोच सकते हो ना कितना फास्ट है। जहां तक दूसरे इन्फॉर्मेशन का सवाल है, यहां पर डेफिनेटली कंपनी की तरफ से आपको 1 साल का वारंटी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके साथ साथ जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कस्टमर केयर नंबर और मेलिंग ईमेल एड्रेस है और उसके साथ साथ ऑल ओवर इंडिया में टोटल 30 उनका सर्विस सेंटर्स है। जी हाँ, 30 सर्विस सेंटर्स मुझे लगता है काफी कम है और डेफिनेटली आप, मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डाल दिया तो आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं आपके लोकल एरिया में कोई भी सर्विस सेंटर है कि नहीं। जहां पर कोलकाता का सवाल है, जैसे आप देख पा रहे हो कोलकाता का श्रीभूमि, मतलब जो लोग कोलकाता में रहते हैं आपका उल्टोडांग के बाद जो श्रीभूमि है वहां पर आपका उनका एक सर्विस सेंटर है। जी हाँ, अभी तक ऑपरेशनल है नहीं है उसके बारे में पता नहीं, लेकिन एक सर्विस सेंटर कोलकाता में है, तो मुझे लगता है सर्विस सेंटर थोड़ा कम है। उनका जो वेबसाइट मैंने चेक किया, वेबसाइट भी उतना इंप्रूव्ड या फिर काफी इंप्रेसिव नहीं था, थोड़ा मोटा छोटा बहुत इंफॉर्मेशन था। अभी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये स्मार्टफोन कैसे निकल के आता है और लॉन्च होने के बाद ये कैसा परफॉर्मेंस देता है। तो आप बताइए कि 3GB 32GB 9,000 रुपए में और 2GB 16GB आपका 8,000 रुपए में, आपको क्या लगता है नए ब्रांड्स ये जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं आपको कितना अच्छा लगा। सो मैं आपको बोलता हूं 1 से 10 तक आप इस डिवाइस को कितना मार्क्स देना चाहेंगे, तो डेफिनेटली उसको आप लिखिए। और उसके साथ साथ मैं एक पोल का अरेंजमेंट कर रहा हूं जहां पर आप जाके ये सब नो कर सकते हैं कि आपको इस डिवाइस का रिव्यू देखना है कि नहीं।
अगर देखना है तो डेफिनेटली यस दबाइए, अगर नहीं देखना है तो डेफिनेटली नो, आप उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है डेफिनेटली मैं इस डिवाइस को ऑर्डर करके इसका रिव्यू जरूर बनाऊंगा। तो गाइज ये था आपका स्नेक पिक ऑफ नया स्मार्टफोन विच इज ए 10 और स्मार्टफोन जो बहुत ही जल्दी amazon.in में लॉन्च होने वाला है। सो इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नेटवर्क, होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।